बट 8 बिट इज ऑल्सो सर्विंग एंड हमें पता है 8 बिट जो चीज आप हमेशा बोलते हैं ऑनलाइन यहाँ पे या तो इनके मैचेस बहुत अच्छे चल जाते हैं या फिर कुछ मैचेस थोड़े से बहुत ज्यादा डाउन केस में जाते हैं। अगर आपसे मैं पूछूं क्या लग रहा है ये मैच बहुत अच्छा जाता दिख रहा है कि नहीं 8 बिट का? बिल्कुल सही कहा, जिस तरीके से उन्होंने होल्ड किया, जिस तरीके से रोटेशन ली, वो तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा मिलिट्री बेस की तरफ ये टीम जी उतरी थी, जोन उनके फेवर में कटा, फिर एकदम से खार्ड शिफ्ट लिया, फिर वहां से खुद को स्टेबल करके आना वापस से इस एरिया पे होल्ड करना, तो ऑब्वियसली टीम ने बढ़िया रोटेशन डाली। आईजीलिंग की मैं दाद दूंगा 8 बिट की, गॉडल की तो ऑब्वियसली बहुत ही बढ़िया है, बट 8 बिट के इस मैच में मुझे बहुत बढ़िया देखने को मिली। उसी के साथ साथ आपको नियो देखने को मिलेंगे, सेल्सियस का भी सफर खत्म होगा, गॉडल एक और चिकन डिनर के पास आ चुकी है चारों प्लेयर्स के साथ 12 फिनिशेस के साथ। गाइस अब तो चैट में बनता है, तो जल्दी से शुरू हो जाओ आप लोग 8 बिट और गॉडल, दिक्कत कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। अभी भी एक परफेक्ट ग्रेनेड जिसका भी गया ऑब्वियसली प्लेयर्स के लिए दिक्कतें क्रिएट करेगा। और नियो का ग्रेनेड जूसी के बिल्कुल एग्जैक्ट सामने गिरा था, लेकिन नियो थोड़ा सा ओपन में फंसे और उनको नॉक एस पावर विद दैट MK14 देखने को मिल रही है उनके पास से। ड्रॉप का आई थिंक जो लूट था वो इन्होंने अपने नाम किया, और 8 बिट के प्लस लगातार नॉक पे नॉक निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सुनामी को वहां पे स्पॉट किया MK14 से और कुछ शॉट भी करे क्या, लेकिन जोशी क्या कर रहा है ये प्लेयर, लगातार नॉक निकाल रहा है, और यहाँ पे नियो को सिक्योर कर दिया गया है, गोकू को भी नॉक कर दिया गया है, तो गोकू का रिवाइवल मे भी पॉसिबल हो जाए, ट्राई जरूर करेंगे ज़िगॉर्ड, बट यहाँ पे प्रोन होते हुए दिखेंगे आपको, चल भी नॉक हो चुके, इसका मतलब ज़िगॉर्ड इज नॉट अ सोलो सर्वाइवर फॉर टीम गॉड लाइक, अकेला प्लेयर बाहर किया जाएगा। टीम 8 बिट कमिंग विद दैट चिकन डिनर, और विद दैट अगर आप इनके फिनिशर्स की बात करोगे